बहार पिंडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विपद्वार गणित प्रपिश वैजंतिम च मालम वंद्रान वीन अदर सुतया पूरयेन को भूते वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशक्ति श्री गोपी जनवल्लभाय नमः श्री उषायति परम दयालवे नमः श्री वल्लभ के लाडीले सभी वैष्णवों को अंतकरण से भगवत स्मरण। हम आज के सत्संग में 252 वैष्णव में से ऐसे वैष्णव की बात करेंगे जो हमें सिखा गया कि आतुरता क्या चीज है और प्रेम की लगन क्या होती है, जो अपनी जात प्रेम में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते। तो आये वैष्णव, अब जानिए ये वैष्णव कौन थे। उससे पहले वैष्णव, अगर आप हमारी चैनल में नए पधारे हैं, विस्तार चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ साथ अपने सत्संगी वैष्णव को शेयर कीजिए, जिससे वे भी सत्संग रूपी वेणुनाद से भगवत रस का रसपान कर सके। तो चलिए सत्संग करते हैं। श्री वल्लभादीश की जय। एक समय की बात है, दो लोग तन्मय सा से बात कर रहे थे। इसके नजदीक एक महल था। उस महल के झरोखे से एक रानी देख रही है कि दो लोग लंबे समय से बिना थके खड़े खड़े बात कर रहे थे। यह देखकर उसको उत्सुकता हुई कि ऐसी तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग। उसने अपने दासी को भेजा कि जाओ तुम पूछ के आओ कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। दासी नीचे गई और पूछा कि आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी रानी साहिबा ने मेरे को भेजा है। वो दो लोग वैष्णव थे और सत्संग कर रहे थे। अब सत्संग की बात है उसे नहीं कह सकते जो वैष्णव नहीं है। उन्होंने सोचा कि बात कह भी नहीं सकते और रानी का आदेश टाल भी नहीं सकते, इसीलिए वैष्णव ने दासी से कहा कि यह बातों का मोल है, हम ऐसे ही नहीं कह सकते। दासी ने कहा कि क्या मोल है? तब वैष्णव ने कहा 5,000 रुपए। तब दासी रानी के पास आई और अब बताया। तब रानी ने कहा ले जाओ रुपए और बात जान कर आओ। दासी फिर रुपए लेके वैष्णव के पास आई। वैष्णव ने कहा कि 5,000 रुपए के बात तो खत्म हो गई, अब तो 10,000 रुपए की बात है। दासी रानी के पास आई और सब बताया। तब रानी ने कहा 10,000 रुपए ले जाओ, कोई बात नहीं, पर बात जरूर जान कराओ। दासी फिर रुपए लेके वैष्णव के पास आई। वैष्णव ने कहा 10,000 रुपए की बात भी खत्म हो गई, अब 20,000 की बात है। दासी ने रानी को बताया। अब रानी की उत्सुकता तो बढ़ रही थी। उसने कहा 20,000 रुपए ले जाओ और मुझे बात जाननी है। दासी फिर से 20,000 रुपया लेके वैष्णव के पास आई। अब वैष्णव ने सोचा कि रानी की उत्सुकता तो बड़ी अच्छी है, पर वो अधिकारी नहीं है, इसीलिए कहा कि अब पैसों की बात है तो खत्म हो गई, अब तो सिर साटे बात है। दासी तो हैरान हो गई और रानी आज्ञा पालन के लिए यह बात रानी को सुनाई। रानी को लगा कि यह लोग कोई साधारण नहीं और बातें भी कुछ विशेष है, इसीलिए अब उससे रहा नहीं गया और तलवार लेके खुद वैष्णव के पास आ गई और बोली कि मैं तैयार हूँ पर मुझे बात जाननी है। तब वैष्णव हैरान हो गए और उन्हें पता चल गया कि यह यकीनन लीला को जीव है, परंतु वैष्णव नहीं बनी है। इसलिए वैष्णव ने रानी से कहा कि हमारे गुरु अभी ब्रज पधारे हैं, आप ब्रह्म संबंध लेके गुरु के सेवक बनिए, वैष्णव बनिए, हम जरूर आपको सारी बात बताएंगे। उस रानी की दो सखियां हाजिर जवाबी बीरबल की पुत्री शोभावती और दिल्ली के मशहूर जवेरी वृंदावन दास की पुत्री कलावती भी श्री गुसाई जी की सेवक बने थी। यह रानी भी श्री गुसाई जी से नाम निवेदन मंत्र लेके वैष्णव बने। यह रानी और कोई नहीं
परंतु अकबर बादशाह के मुसलमान बेगम ताज बीबी ही थी। यही ताज बीबी के स्वरूप को जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हम अगली वीडियो में उनके पूर्ण समर्पण भक्ति के दर्शन करेंगे। उद्वतर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, साथ साथ सत्संग पसंद आया हो वीडियो लाइक करके शेयर कीजिए। आजे सौ ने जय श्री कृष्ण, काले वेला आवजो, हरि गुण गावा, हरि रस पीवा, आवे तेने लावजो। आज के आनंद की जय।